वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। अभी मैं हूँ अपनी घर पे, क्या अपने थोड़ा काम से आया था, तो आज मेरा दोस्त बोनी जो है वो जा रहा है अपनी छुट्टी वापस करके, तो अभी हम चलते हैं उसको छोड़ने, हम और सिवेन चलते हैं डायरेक्ट। अभी तो फिलहाल जा रहा है थोड़ा हम फजलगंज थोड़ा काम से, तो काम निपटाते हैं, फिर उसके बाद में देखेंगे क्या है क्या नहीं। तो गाइस अभी हम यहाँ बाल कटवाने सिवेन का आए हुए थे, सिवेन मिल गए, तो अभी बोनी को चलते हैं हम लोग छोड़ लें, फिर उसके बाद में उनको गोविंद नगर छोड़ के फिर जो करेंगे वो देखना। सिवेन तो ये आए, तो गाइस अब हम लोग स्टेशन आ चुके हैं अपने बोनी भाई को छोड़ने के लिए। हम और सिवेन, बोनी अपना आज जा रहा है, छुट्टी इसकी खत्म हो गई है, तो सब लोग बाबा लोग अपना सुलगाते हुए बढ़िया जय भोलेनाथ जय भोलेनाथ सब लोगों ने किया। और हम बोनी के साथ जाते हुए प्लेटफॉर्म पे इनके, क्योंकि ट्रेन अभी कानपुर सेंट्रल पे है, वहाँ थोड़ी ट्रेन आएगी, ट्रेन इधर आएगी वे, ट्रेन इधर से आएगी प्लेटफॉर्म टू पे आएगी। कौन पे? प्लेटफॉर्म टू, प्लेटफॉर्म टू पे आएगी, ये प्लेटफॉर्म नंबर वन है। और हम अभी प्लेटफॉर्म नंबर वन पे चल रहे हैं, ऑफिसर आदमी चल रहा है आगे। हाँ ये ऑफिसर हैं, नंबर का बड़ा हित फेल हो गया, इस प्लेटफॉर्म पे नहीं, प्लेटफॉर्म नंबर वन पे आएगी, हम लोग प्लेटफॉर्म नंबर टू पे खड़े हैं। अरे 2700 रुपए के लिए तुम यही करते रहो भाई, आता है तो क्या करे, निकलने हैं नहीं 8000। हाँ 8000 के पहले नहीं निकलने यार, ये दिक्कत है बस। हाँ स्टेशन के ऊपर चलो, सबसे बड़ा भोखड़ ये है भोखड़ी का, उतनी देर से कितना कुछ पहले पड़ा है, जब देखो तब। तो फिलहाल हम लोग अभी प्लेटफॉर्म नंबर वन, प्लेटफॉर्म नंबर तीन पे हैं, और प्लेटफॉर्म नंबर वन पे जाना है हम लोगों को, उस पे प्लेटफॉर्म लास्ट। अभी ये थ्री था ना, थ्री दिखा रहा था कुछ ना कुछ खाए रहो, लेकर तुम अपना देखो। तो हम फिलहाल अभी ऊपर आ चुके, वेलकम टू गोविंदपुरी रेलवे स्टेशन। कुत्ता हमारे स्वागत के लिए खड़ा हुआ है नीचे, ऊपर पब्लिक वहाँ बैठी है, एक आदमी बहुत तेज चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था। तुम अपनी जरा क्या क्या नहीं दिखाओ, उतरते हुए किसको दिखाऊं, बैक कैमरा उधर ऑटो में होता है, ऑटो में कहाँ बता नहीं, सही है मेरे तो वीडियो रिकॉर्डिंग वीडियो सम सस्ते फोन लेने से यही होता है। अबे ये ले के पछता रहे, मैं पता नहीं कैसे क्या है सीन, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब ये बाबा है, इनसे बात करनी पड़ेगी अभी है? ये बाकी इधर सब लोग यात्रीगण वेट करते हुए अपनी ट्रेनों का, उधर ज्यादा भीड़ है वहां पर। कहाँ जा रहे हो? और हम भी चल रहे हैं यहाँ पर, मतलब अभी कुछ सामने कैंटीन है, तो कैंटीन में देखते हैं कुछ मिलता है, मुझे मिलेगा क्या। आ गए बोनी, प्लेटफॉर्म नंबर वन दिखा दिया तो होगा अलग, होगा चेंज होगा। ये कुछ सामान वामान ले रहे, क्या ले रहे बेटे? कुरकुरे दे दो, ₹10 के तुरतुरे बोनी के लिए ले लो भाई, और कुछ ले लो, और कुछ ले लो उसके लिए, रखे रहेगा वो। हाँ डाल एक और दे दो, कोई एक वो काजू वाली नमकीन, काजू वाली नमकीन दे दो। अरे नहीं एक ये दो, एक काजू वाली नमकीन दो। हाँ ये एक ट्रेन जा रही है, ये क्या है, ये विक्रम चिल्का एक्सप्रेस, यही गाड़ी खड़ी कर दो, झांसी तक छोड़ने चलते हैं, झांसी तक छोड़ने चल सकते हैं, चलेगा झांसी तक छोड़ा है, तुम क्यों परेशान हो, झांसी झांसी चलो, क्या घंटे लगेंगे, दो क्या होगा, वो क्या बोल रहे हो, सवेरे आ जाएंगे, कल संडे वैसे भी है, बना लो लेना पड़ेगा, ठीक है, ये है माता तुरा का, बताओ
बाइक खड़ी कर देंगे उसमें स्टैंड में। गाइस अभी हम लोग यहाँ पर वेट कर रहे हैं किसी चीज़। क्या हो गया? तो हम लोग यहाँ पर वेट कर रहे हैं क्योंकि अभी ट्रेन आने में टाइम है, तो अपना आराम से अभी दोनों लोग अपने सुख दुख की बातें चल रही हैं जो भी यहाँ हो रही हैं। बाकी सुख दुख की बातें कुछ नहीं चल रही, सिर्फ बकचोदी हो रही है। और सबसे बड़े है मेरे यहाँ बकचोद, ये देखो खड़े पीछे क्या छुपा हुए, पीछे क्या है, क्या है पीछे, पीछे क्या है? अबे हाथ ऐसे लगा के खड़े हो तो आगे करो हाथ, क्यों खड़े करे तुम्हारे? आगे करो हाथ, आगे करो, आगे करो, आगे करो, क्या आगे कर लिया? ये क्या था? गाइस अब हम लोग बैग हमने बोनी के ले लिए, बेचारा थक गया बहुत ज्यादा, तो इसलिए थोड़ा लोड अब करते हुए हम लोग नीचे उतर रहे हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 के लिए। सिवेन भी अपने साथ में चल रहे हैं, बोनी अपना आगे है, तो ट्रेन आती है इसको बैठाते हैं फिर निकलते हैं यहाँ से घर के लिए। ये पैसेंजर ट्रेन है ये जो आई हुई है। ये ट्रेन आई हुई है, कोच कहाँ है, कौन सा है? अरे भैया कौन सा था मोहन, ये इधर ही होगा ना। यहाँ पर बैठे हुए हैं देखो ट्रेन हम दोनों लोग, और इधर अपना बोनी फोन चलाता हुआ। दुख भरे पल, दुख भरे खुशी भरे पल, दुखी भरे को हाँ सुखी पर सुखी है, ठीक ही है भाई, कमाने जाना पड़ता लोंडो को, क्या करें भाई। पहले पढ़ाई करते हैं ठीक है, इंटर तक, फिर बीएससी करते हैं, फिर प्रिपरेशन करते हैं, फिर उनसे इच्छाएं होती हैं कि कमा के दो, लम्बे फ्री नहीं है भाई, बहुत उनके ऊपर बर्डन होता है, बहुत बर्डन होता है पता है, कमाने का, घर चलाने का, सब कुछ, सब कुछ क्या करता है। और लम्बों के ऊपर बहुत वो चीज़ें होती हैं, बहुत एक्सपेक्टेशन होती है बहुत लोगों की, परिवार की, फैमिली की सारी चीज़ें बहुत एक्सपेक्टेशन होती हैं, लोग ये मेरा लड़का ये करेगा वो करेगा वो करेगा, मतलब लोगों की लाइफ बहुत स्ट्रगल है, पेनफुल स्ट्रगल है चीज़ें, और लोग बातें सुनाते कुछ, अगर लड़के ने कुछ नहीं कर पाया आगे चल के तो वो तो कुछ नहीं है, सब बेकार है, समाज तो नगाड़ देती है भाई, क्या करूँगा। और वही लड़का अगर कुछ मतलब चीज़ें हो जाएंगे तो उसके सारी चीज़ें जाती है, बहुत भाषण नहीं दिया, बहुत सही है। आ रही है हम लोगों की क्या सुन मेरे दोस्त की, कहाँ जा रहे हो? बैठना पड़ेगा कुछ देर के लिए, क्योंकि मतलब यार कष्ट होता है कोई भी दोस्त हो उससे जाते हैं तो, मतलब सबकी अपनी अपनी जिंदगी, अपनी अपनी लाइफ, सबको अपने हिसाब से करना पड़ता है, मानते नहीं मानते। अरे अंदर का पुलिस वाला रोक रहा था यार, कहाँ रोक रहा था, कह रहा था नहीं जाना अंदर, अंदर रोक रहा था वो। तो फिलहाल अब हम इस बोनी को छोड़ दिया, तो हम फिलहाल इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। ब्लॉग पसंद आया तो इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना, और हाँ कमाना पड़ता है लड़का।